हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम मसल्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम मूवमेंट पढ़ेंगे। कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मसल्स हेल्प करते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट शोल्डर फ्लेक्सर्स, जो शोल्डर फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं वो मसल्स कौन कौन से, पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, कोरकोब्रेकियालिस। शोल्डर एक्सटेंसर्स मसल्स कौन से हैं, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, लैटिसमस डोर्साई, टीरिस मेजर। शोल्डर अबडक्शन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो हेल्प करते हैं, डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, ट्रेपीजियस, सेरेटस एंटीरियर। देन है हमारा शोल्डर अबडक्शन। शोल्डर अबडक्शन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो हेल्प करते हैं, डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, ट्रेपीजियस, सेरेटस एंटीरियर। ये मसल्स हमारे अबडक्शन में हेल्प करते हैं, शोल्डर अबडक्शन। देन शोल्डर अडक्शन, अडक्शन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसमस डोर्साई, टेरिस मेजर। उसके बाद है शोल्डर इंटरनल रोटेशन। शोल्डर इंटरनल रोटेशन में कौन कौन से मसल्स हेल्प करते हैं, सब स्कैपुलरिस, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसमस डोर्साई, टेरिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड। ये सब मसल्स हमारा शोल्डर इंटरनल रोटेशन में हेल्प करते हैं, इंटरनल रोटेशन, और यू कैन से मीडियल रोटेशन। उसके बाद है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। उस कौन कौन से मसल्स है जो शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलरिस। ये चार मसल्स को हम रोटेटर कफ मसल्स भी कहते हैं, और ये रोटेटर कफ मसल्स हमारे शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस वो परफॉर्म करते हैं, वो उनका काम, मेन काम यही है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन करना, इन्वॉल्व होते हैं शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में। एल्बो फ्लेक्सर्स, एल्बो फ्लेक्शन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस। एल्बो एक्सटेंसर्स, एल्बो एक्सटेंशन में कौन कौन से मसल्स हैं, ट्राइसेप्स, एनकोनियस। जो हमारा ट्राइसेप्स हैं और एनकोनियस मसल है, ये एल्बो एक्सटेंशन में हेल्प करता है। इनका काम ही है एल्बो एक्सटेंशन करना। मैंने जहाँ भी बोला होगा हेल्प करता है, इन द सेंस वो उनका काम है वो करना, वो एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एक्सटेंशन हो, फ्लेक्शन हो, मीडियल लैटरल रोटेशन हो, कोई भी एक्शन हो, वो उनका काम है मसल्स का परफॉर्म करना। फोरआर्म सुपिनेशन, सुपिनेशन में सुपिनेटर्स मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो फोरआर्म सुपिनेशन कर परफॉर्म करते हैं। फोरआर्म प्रोनेटर्स, प्रोनेशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। उसके बाद है रिस्ट फ्लेक्सर्स, रिस्ट फ्लेक्शन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, पल्मारिस लॉन्गस। उसके बाद हैं रिस्ट एक्सटेंसर्स, रिस्ट एक्सटेंशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस। रिस्ट फ्लेक्सर्स में फ्लेक्सर्स कार्पा, जैसे फ्लेक्शन करना तो फ्लेक्सर बोलेंगे, और उसमें कार्पा रेडियालिस और अल्नारिस, क्योंकि हमारा लेटरल साइड रेडियल है और मीडियल साइड अल्नारिस है, तो दोनों को इन्वॉल्व, दोनों के लिए बोलेंगे। और उसके बाद पाल्मारिस लॉन्गस, दो सेंट्रल हमारे पाल्मारिस लॉन्गस जो हमारे रिस्ट के थ्रू अंदर की तरफ पास होता है हमारे पाम में, और यहाँ पर एक्सटेंसर्स हैं तो उसमें एक्सटेंसर्स बोलेंगे, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस। इसके बाद है मसल्स ऑफ द ट्रंक, कौन कौन से मसल्स हैं जो ट्रंक फॉर्म करने में, ट्रंक मसल्स में इन्वॉल्व होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, बैक मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, पेल्विक मसल्स, पेक्टोरल मसल्स। ये सब मसल्स हमारा ट्रंक मसल्स फॉर्म करते हैं, में इन्वॉल्व होते हैं ट्रंक में। तो एक एक करके हम सब मसल्स में कौन कौन से और मसल्स होते हैं, जैसे एब्डोमिनल मसल्स में कितने मसल्स होते हैं, उनका नाम क्या है, ऐसे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स में कौन कौन से मसल्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस।
अगर आप लोगों को सब मसल्स का ओरिजिनेशन और इंसर्शन भी देखना होगा और मसल्स का डायग्राम देखना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको, मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा मसल्स कहाँ पे है, होता है और उनका ओरिजिनेशन और इंसर्शन कहाँ पर है, वो आपको वो डायग्राम के थ्रू इजीली देखने को भी मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और देखा हुआ चीज़ तो बहुत समय तक याद होता है ना हमें, वो हम हमेशा याद रख सकते हैं इजीली। तो अगर आपको डायग्राम देखना होगा तो कमेंट में मुझे बताना। देन उसके बाद हमारा बैक मसल्स। बैक मसल्स में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? ट्रेपीजियस मसल, लैटिसमस डॉर्साई, रोम्बॉइड्स मसल्स। रोम्बॉइड्स में भी मेजर और माइनर होता है, लिवेटस स्कैपुले, मल्टीफिडस, स्पाइनलिस, ये सब मसल्स हमारा बैक मसल्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, ये सब मसल्स हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं। उसके बाद है पेल्विक मसल्स। पेल्विक मसल्स में लिवेटा एनी एंड कोकीजियस मसल्स मेन है। लिवेटा एनी में तीन मसल्स हैं, पीबो कोकीजियस, पीबो रेक्टेलिस, इलियो कोकीजियस, ये सब हमारे पेल्विक मसल्स हैं। उसके बाद है पेक्टोरल मसल्स, जो पेक्टोरल रीजन में पाए जाते हैं। पेक्टोरल मसल्स कौन कौन से हैं? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर को हम बॉक्सर्स मसल्स भी कहते हैं, बॉक्सर्स। उसके बाद हिप एक्सटेंसर्स। हिप एक्सटेंशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग। उसके बाद है हिप फ्लेक्सर्स। हिप फ्लेक्सर्स में सर्टोरियस, टेंसर फेशियलाटा, रेक्टस फिमोरिस, इलियोसोरस, ये मसल्स हमारे जो हैं वो हिप फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, और हिप एक्सटेंशन में ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग मसल्स हेल्प कर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है हिप अबडक्टर्स। हिप अबडक्शन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशियल आटम। अबडक्शन में याद रखना मेन मसल्स है ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और देन टेंसर फेशियल आटम। मेन तो ग्लूटियस मीडियस है, और हमारा जो ग्लूटियस मसल में मैक्सिमस होता है वो एक्सटेंशन का काम करता है, हिप एक्सटेंशन। तो याद रखना ग्लूटियस मैक्सिमस का मेन काम है हिप एक्सटेंशन और ग्लूटियस मीडियस का मेन काम है हिप अबडक्शन। उसके बाद है हिप अडक्टर्स। अडक्शन में सब अडक्टर्स मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर ब्रेविस, ग्रेसिलिस, पैक्टिनियस मसल्स। उसके बाद है हिप इंटरनल रोटेशन। हिप इंटरनल रोटेशन में ग्रेसिलिस मसल, ग्लूटियस मीडियस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये चार मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो हिप इंटरनल रोटेशन करते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप। हिप के एक्सटर्नल रोटेशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? पायरीफॉर्मिस, याद रखना सबसे मेन मसल जो और छोटा मसल पायरीफॉर्मिस, जो कि हिप एक्सटर्नल रोटेशन में इन्वॉल्व होता है। पायरीफॉर्मिस, सुपीरियर इन्फीरियर गैमिली, ऑब्टूरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फिमोरिस, पायरीफॉर्मिस का मेन काम होता है हिप एक्सटर्नल रोटेशन। उसके बाद है नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंसर्स मसल्स कौन से हैं? क्वाड्रिसेप्स ग्रुप। क्वाड्रिसेप्स ग्रुप में फोर मसल्स होते हैं, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, रेक्टस फेमोरिस, ये चार मसल्स क्वाड्रिसेप्स ग्रुप मसल्स होते हैं कहा जाता है, और ये हमारा नी एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है नी फ्लेक्सर्स। नी फ्लेक्शन में कौन कौन से मसल हेल्प करते हैं? हैमस्ट्रिंग ग्रुप मसल्स, और हैमस्ट्रिंग ग्रुप मसल्स कौन कौन से होते हैं? बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये सब हमारे हैमस्ट्रिंग ग्रुप मसल्स हैं। सो आप लोग याद रखना हैमस्ट्रिंग ग्रुप मसल्स का प्राइमरी फंक्शन तो नी फ्लेक्सर्स है, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन वो हिप एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है, सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी फंक्शन, लेकिन प्राइमरी एक्शन उसका ही है, नी फ्लेक्शन में हेल्प करता है हैमस्ट्रिंग ग्रुप मसल। उसके बाद है प्लांटार फ्लेक्सर्स। प्लांटार फ्लेक्शन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? गैस्ट्रोनेमियस, सोलियस, प्लांटारिस। डॉर्सिफ्लेक्सर्स कौन कौन से मसल्स हैं?
जो डोर्सिफ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, टेबियालिस एंटीरियर, फिबुलरिस टर्टियस। जो प्लांटा फ्लेक्सर्स मसल्स है वो हमारे काफ मसल्स हैं, जो कि काफ मसल्स में कौन कौन से मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोनिमियस, सोलियस, प्लांटारिस। और जो डॉर्सी फ्लेक्सर्स है ये हमारे एंटीरियर, जो लेग का एंटीरियर एस्पेक्ट, जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे होते हैं, जो कि मैंने बताया था ना अपर लिम में एंटीरियर पार्ट में फ्लेक्सर्स होते हैं, लेकिन लोअर लिम में एंटीरियर पार्ट में जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है वहाँ पे एक्सटेंसर्स मसल्स पाए जाते हैं। तो ये एंटीरियर पार्ट्स के मसल्स हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, टिबियालिस एंटीरियर एंड फिबुलरिस टर्टियस। तो प्लांटर फ्लेक्सर में हमारा हमेशा काफ मसल्स इन्वॉल्व होता है, और डॉर्सिफ्लेक्शन में एंटीरियर पार्ट ऑफ लेग जो भी मसल्स होते हैं एंटीरियर लेग के पार्ट में वो मसल्स होते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन में। उसके बाद है इन्वर्जन मसल्स, जो फुट इन्वर्जन में हेल्प करता है। इन्वर्जन मसल्स में टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड फुट एवर्जन, एवर्जन मसल्स में पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, ये दो मसल्स हमारे एवर्जन में हेल्प करते हैं, और टिबियालिस एंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर हमारे इन्वर्जन मसल्स है जो इन्वर्जन में हेल्प करते हैं। सो इस वीडियो में हमने कौन से मसल कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन सा उनका क्या काम है, कौन से मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, वो सब के बारे में देखा, टोटल अपर एंड लोअर लिम के मसल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।